हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो उन यूट्यूबर के लिए जिनको अभी तक ये नहीं पता उनके जो मोबाइल के अंदर मेड बाय काइन मास्टर का जो वाटर मार्क आता है वो कैसे हटाए, साथ ही साथ जो क्रोमा की जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं नए नए। तो ये वीडियो उन यूट्यूबर के लिए जिनको ये सब चीज़ नहीं पता है, तो वे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड करें और इसका जो पासवर्ड है वो मेरे वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। से आप अपने काइन मास्टर से वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं और अपने काइन मास्टर में वीडियो लेयर क्रोमा की और 4K एक्सपोर्टिंग ऑप्शन को ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप बेसिकली कोई सी भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा आपको। उसके बाद आपको एक वीडियो सिलेक्ट करना है। मैं सबसे पहले एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उस खास बात ध्यान रखिए कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ग्रीन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दीवार ग्रीन नहीं है तो आप पर्दे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने ग्रीन बैकग्राउंड वाली एक वीडियो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यह क्रोमा की का ऑप्शन इनेबल कर दिया है। इसको थोड़ा सा लाइट करना है, बैकग्राउंड को डार्क रखना है थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों ये हो चुका है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। आप ये दोस्तों अब इसको कहीं भी आप किसी भी एंगल पर रख सकते हो। दोस्तों आप इसे 4K या 1080 पिक्सल में भी सेव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं हर रोज़ नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।